नमस्कार, आप सभी का पेबल्स के किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू परवर की सब्जी। परवर जो एक सब्जी है जो छोटे आकार में हरे रंग की मिलती है। परवर आम तौर पे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन उसको अगर हम आलू के साथ बनाएं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। परवर के बीज निकालने पड़ते हैं और फिर उसको आलू के साथ सब्जी बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आलू परवल की सब्जी कैसे बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली स्टाइल में आलू परवल की सब्जी। चार से पांच परवल लेने हैं, जिसको हमने छिलका निकाल के काट लिया है। एक आलू, एक प्याज का पेस्ट, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर प्यूरी या पेस्ट बना लेंगे, तेज पत्ता, लाल मिर्च, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, जीरा, नमक और थोड़ी सी चीनी और पकाने के लिए तेल। चलिए देखते हैं आलू परवल की सब्जी कैसे बनानी है। एक कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। दो से तीन चम्मच तेल ले लेना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद आलू जो हमने काट के रखे थे उसको हमें तल लेना है या फ्राई कर लेना है। देखिए, इसका रंग बदल गया है, आलू फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसको अलग से निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में हम परवल फ्राई करेंगे। परवल में अगर बीज बड़े हैं तो आप बीजों को पहले निकाल लेंगे और फिर तलिए। ये परवल भी हमारे रेडी हैं, अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको भी अलग से निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ तेल है उसमें हम मसाले डालेंगे। एक चम्मच जीरा, लाल मिर्च, एक लाल मिर्च को दो टुकड़े में डालिए, तेज पत्ता, इसको अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। जब तक प्याज का रंग बदल ना जाए तब तक हमें भूनना है। गैस को आप धीमी आंच पे ही रखिए। देखिए, प्याज का रंग बदल गया है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे, बारीक काट के हमने इसमें मिक्सर में निकाल लिया है प्याज का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे या भूनेंगे। देखिए, जब पानी कम हो जाता है तो ये ऐसा दिखेगा। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे और उसको भी इन मसालों के साथ मिक्स करेंगे। इसे दो से तीन मिनट तक पकाइए। जब तेल छूटने लगे तो समझ लीजिए सारे मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, दो से तीन चम्मच मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर लगभग एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक से डेढ़ चम्मच। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी लगभग आधे से एक चम्मच। अब इस सारे मसालों को हमें मिलाना है और उसको भूनना है। लगभग तीन से चार मिनट आप पकाते रहिए। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें तले हुए आलू और तले हुए परवल डालेंगे। अब इसको सारे मसालों के साथ इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर सुनहरा रंग आ गया है।
दो से तीन मिनट तक ढक के हम इसे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक आप देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं, पानी सूख गया है तो थोड़ा पानी डालेंगे जिससे अच्छी ग्रेवी बन जाए। पानी डालने के बाद हमें फिर से पकाना है और इसको फिर से हम ढक के रख लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद आप देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है, आलू परवल का रस्सा तैयार हो गया है। हम इसको अच्छा अलग से बोल में निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा आलू परवल की सब्जी घर में बना सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनती है। बच्चों को खिलाने के लिए हमने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है। परवल में बहुत विटामिन्स होते हैं इसीलिए बच्चों को खिलाना भी ज़रूरी होता है। तो आप ये आलू परवल की सब्जी ज़रूर बना के देखिए और आपका फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय फॉर नाउ।